तो आइए आज हम बच्चों के लिए खास तौर से प्रोटीन से भरपूर एक ऐसा पौष्टिक नाश्ता बनाकर तैयार करते हैं जिसे बनाने में बच्चे भी आपकी मदद कर सकते हैं। इसी के साथ खाने में बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और इसकी सारी सामग्री आपके घर में आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कप जितनी मूंग दाल ली है, ये बिना छिलके वाली मूंग दाल है जिसको मैंने 2-3 बार साफ पानी से धोकर के भिगा के रख दिया था। 2 से 3 घंटा के बाद आप देखेंगे दाल देखिए आराम से टूट रही है, इसके टुकड़े हो रहे हैं। अभी इसका पानी निकाल करके इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। पानी हमें पूरा निकाल लेना है जिससे आपका रेशियो परफेक्ट रहेगा। यहाँ मैं मूंग दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसकी जगह पर चना दाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसे भी रेसिपी आपकी अच्छी बन जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली है, इसको भी रफली काट के इसमें डाल देंगे। बच्चे थोड़ा मिर्ची कम खाते हैं इसीलिए हम मिर्ची कम डाल रहे हैं, क्योंकि आज हम बच्चों के लिए स्पेशली बना रहे हैं। और अदरक को भी रफली काट के इसमें डाल देंगे, बच्चे वैसे तो अदरक खाते नहीं है, इस तरह से आप डालेंगे तो बच्चे आराम से अदरक खा लेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा पीसने के लिए दही डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर 1/3 कप जितना दही लिया है, ये पूरा दही डाल देंगे। इस चीज का ध्यान रखकर दही आप फ्रेश ही लें, ज्यादा खट्टा नहीं लें, एक दिन पुराना होगा तो चलेगा। तो आप देख पा रहे हैं इसका अच्छा स्मूथ पेस्ट बन गया है, इसी तरह से पेस्ट बन जाना चाहिए। कंसिस्टेंसी हमें इसी तरह की रखनी है, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। यदि आपके पतला हो जाए तो इसमें आप थोड़ी सी सूजी ऐड कर सकते हैं या बेसन ऐड कर सकते हैं। अभी इसे हम बॉल के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो आप देख पा रहे हैं इसका पेस्ट एकदम स्मूथ बन करके तैयार हुआ है। इसी तरह से हमें बना करके तैयार करना है। अब इसे ढक्कन लगा करके हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में 1/4 कप जितना क्रीम डाल देते हैं। यदि क्रीम नहीं हो तो मलाई हो तो मलाई को फेंट के भी ले सकते हैं। अभी इसमें 1/2 छोटा चम्मच जितना पीली सरसों डाल देते हैं। पीली सरसों को मैंने कूट करके लिया है, साबुत नहीं लेना है। और 1/2 छोटा चम्मच जितना ही ओरिगेनो डाल देते हैं। यदि आपके पास ओरिगेनो नहीं है तो इसकी जगह पे आप पिज्जा के साथ जो मसाला आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/2 छोटा चम्मच जितना ही शक्कर डाल देते हैं। इसी के साथ इसमें 1 छोटा चम्मच जितना नींबू का रस डाल देते हैं। यदि आपके पास नींबू का रस नहीं है तो इसकी जगह पर विनेगर भी डाल सकते हैं। विनेगर आपको 1/2 छोटा चम्मच जितना ही डालना है। और 1/2 छोटा चम्मच जितना ही नमक डाल देते हैं। अभी इसमें हमारे को धीरे धीरे करके तेल डालना है। तेल डालने के लिए आप अपने घर में जो भी हो उसकी हेल्प ले सकते हैं या आप धीरे धीरे करके खुद भी डाल सकते हैं। तो आज इसको बनाने में मैं इनका हेल्प लूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप जितना ऑलिव ऑयल लिया है। यदि आपके पास दूसरा तेल हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला तेल नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का तेल लेंगे तो रेसिपी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। रिफाइंड वाला कोई भी ऑयल ले सकते हैं। अब इस ऑयल को हमें इसमें धीरे धीरे करके डालना है। आप देख पा रहे हैं इसकी बहुत ही पतली धार आ रही है और कंटिन्यू इसे चलाते रहना है। जरूर नहीं कि जो तेल हमने लिया पूरा पूरा इस्तेमाल करें, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें, इसे बराबर चलाते रहें। इसका स्पीड हमें मेंटेन रखना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे इस तरह से गाढ़ा हो जाता है। इस तरह से हमारे घर पे ही वेज मेयोनीज बन करके तैयार हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना गाढ़ा बना, देखिए थक्के की तरह गिर रहा, देखिए जैसे बिल्कुल बाजार में मिलता है उसी तरह से बन जाता है। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि नींबू के रस का प्रोपोर्शन आपको बराबर रखना है, तो आपका ये बराबर बन के तैयार होगा। यदि नींबू का रस ज्यादा पड़ गया तो मेयोनीज फट जाएगी, और कम रह गया तो इस तरह से क्रीम की तरह नहीं बनेगा। देखिए क्रीम के जैसे बना है। तो बाजार से आप बच्चों के लिए मेयोनीज खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला होता है, तो ये हमारे घर में बिना प्रिजर्वेटिव का हेल्दी मेयोनीज बन करके तैयार हो गया है। और तेल आप अपना पसंद के हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हैं। इतना बनाने में मैंने 1/2 कप तेल लिया था, लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना तेल बच गया है। इसमें गाढ़ापन आ जाता है तो उसके बाद में हमें तेल नहीं डालना। देखिए बहुत ही अच्छी मेयोनीज बनी है। और यहाँ पर मैंने 3 ग्लासेस लिए हैं, पर इन ग्लासेस के अंदर सबसे पहले हमारे को तेल लगा देना है जिससे कि नाश्ता हमारा आराम से निकल जाएगा। आज की रेसिपी के अंदर मैं ग्लासेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो कटोरी में बना सकते हैं, पर ग्लासेस में इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से सभी ग्लासेस में तेल लगा लेंगे और जो घोल हमने साइड में रखा था इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। नमक को एक बार अच्छे से मिक्स करना है, इस तरह से अच्छे से इसे फेंट लेना है। इसको मैंने लगभग 1 मिनट तक फेंट लिया है जिससे इसके अंदर थोड़ी हवा भर जाती है। अभी यहाँ पर मैंने 1 पाउच इनो का लिया है, अभी इसको हम इसमें डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इनो डालते गोल हमारा अच्छे से फूल गया है और इसका कलर ही चेंज हो गया है। देखिए इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस इनो सब जगह लग जाना चाहिए। अभी 3 ग्लासेस को जिसको तेल लगा के रखा था उसको वापस ले लिया है और इसमें ये बैटर डाल देंगे। इसको हमें पूरा नहीं भरना है, इसको आधे से लेके 3/4 कप जितना भरना है। तो सभी ग्लासेस में मैंने 3/4 कप जितना डाल दिया। हमारे रेशियो में लगभग ये इस तरह से 3 ग्लासेस भर गई है। अभी इसे हल्का सा टैप कर लेंगे जिसे ऊपर से एक जैसा हो जाएगा।
और इसके अंदर कोई एयर बबल्स होगा तो वो निकल जाएगा। अभी साइड ने मैंने एक बर्तन के अंदर पानी गर्म कर लिया है, इसे हमें लगभग 12 से 15 मिनट तक पकाना है। 15 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे, क्योंकि ग्लास काफी डीप होती है, इसीलिए 15 मिनट तक इसे पकाना जरूरी है। आंच को हमने मध्यम कर लिया है। अभी इसे पकाते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं, खोल के देख लेते हैं। 15 मिनट में आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा पक गए। इस तरह से आप कोई भी टूथपिक वगैरह ले लें या चाकू ले लें, वो डाल करके आप देख लें। देखिए अंदर तक बराबर गया है और पूरा सूखा निकला है, मतलब ये कुछ भी लगा हुआ नहीं इसके ऊपर। यदि इसके ऊपर कुछ लगा हुआ रहता है तो थोड़ी देर आपको और पका लेना है, पर 15 मिनट में ये परफेक्ट पक जाता है। इसके ऊपर कुछ भी लगा हुआ नहीं, देखिए एकदम क्लीन निकला है। इसी तरह से हमें बनाना है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इन ग्लासेस को बाहर निकाल करके ठंडा करने के लिए रख देंगे। गरम गरम को हमें नहीं निकालना है, गरम गरम आप निकालेंगे तो ये खराब हो जाएंगे। ठंडा करने के बाद आप देख पा रहे हैं ये हल्का सा साइड छोड़ने लग गया है, पर इस तरह से निकलेगा नहीं। इसको पहले एक चाकू ले लेंगे, चाकू को अंदर तक डालेंगे और इस तरह से घुमा करके हमें निकालना है। ये आराम से निकल जाएगा, इस तरह से इजीली निकल जाता है, क्योंकि ग्लास के अंदर हमने तेल लगाया था तो आसानी से निकल जाता है। एकदम परफेक्ट बनाया देखिए, और स्पॉन्जी भी बनाया देखिए, बाकी भी इसी तरह से निकाल लेंगे। या मैं आपको याद दिला देती हूँ, आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, पर आप हमारी रेसिपी जब भी देखते हैं कॉमेंट जरूर किया करें। इस तरह से तीनों को मैंने निकाल लिया और तीनों ही एकदम क्लीन निकले हैं देखिए। अभी इसमें से एक ले लेंगे, अभी मैं बताती हूँ आपको किस तरह से इसे काट करके तैयार करना है। इस तरह से चाकू से बहुत पतला नहीं काटना है, करीब 1-1 इंच का काटना है, बहुत स्मूथली कट जाएगा ये। देखने में आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, कहीं से बिखर नहीं रहा है, एकदम स्पॉन्ज की तरह सॉफ्ट होता है ये, देखिए बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। इस तरह से हम सभी पीसेस काट के तैयार कर लेंगे और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितना तेल लिया है ये इसमें डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। तेल को सब जगह फैला देना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा सा तेल डाल के इस तरह से फैला दें। अभी तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें थोड़ी सी राई डाल देंगे, राई से इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ इसमें थोड़ी हरी मिर्ची डाल देते हैं, यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची स्किप भी कर सकते हैं, और थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देते हैं। राई चटकने लग गई है तो इसमें एक एक करके इसमें डाल देंगे। आँच को हमें मध्यम कर लेना, ज़्यादा तेज आँच में नहीं करना, जितने आपको खाने हैं उतने ही आप सेके हैं। ऐसे पीसेस बना करके यदि आप रात को ही फ्रिज में रख देंगे तो सुबह सुबह आप इसे सेक करके बच्चों के टिफिन में भी डाल सकते हैं। इस तरह से सेकने से थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आता है। और यदि आपको हेल्दी खाने का शौक है, इसके ऊपर कोई भी तरह का घी तेल नहीं लगाना है, तो आप ऐसे भी खाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे सेक गए हैं, बहुत सुंदर कलर भी आ गया है इनका। बस भाई इतना ही सेकेंगे, अभी इसको हम निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। इस तरह से हमने सभी को सर्व कर दिया है। अभी जो हमने होम मेड मियोनी बनाई थी वो भी इसके साथ में सर्व कर देते हैं। मियोनी आप देख पा रहे हैं बहुत ही स्मूथ बनी है। इस तरह से ऑनियन गार्लिक मेयोनीज भी बनती है, यदि आपको सीखनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। अभी एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही सॉफ्टली टूट रहा थी, अंदर से कितना जालीदार बना है। अभी हम भी जाकर के इस गर्मा गर्म नाश्ते को सर्व करते हैं और आप भी अपने घर में जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।